ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮਗਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ एक पानी संसार नूं अलविदा कह गया उन्हें तो कला ते कला चार वारी हरजोत बैंस का नौ लिया एस एस पी साहब वो परचा तो दर्ज नहीं करते उस ते दा कार्रवाई करते नहीं सज्जी खब्बियां सारिया कंप्लेंटा लैके राजी है तो इस ते परचा दर्ज करके राजी ने यह तो शुक्र है उस दाते दा परमात्मा दा और उन्होंने लोगों का जिन्होंने उसकी फोटो खिंच ली तो ऑनलाइन करती नहीं तो यह तो काम लुकोता गया सी उन्हें भी अखीर च हरजोत बैंस की कार्रवाई की मांग की और पुलिस कहती जी थोड़ी आ लिख के तो देता भुगी मारती मगर कहते साडा हुण ऑनलाइन सिस्टम डाउन हो गया। डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखवीर सिंह 1158 सहायक प्रोफेसर लाइब्रेरियन फ्रंट की महिला आगू के वलों खुदकुशी करने का मामला लगातार गरमाता दिखाई दे रहा है जिसनों लैके उसके पिंड विरोधियों के वलों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसके चलते उन्होंने वलों लगातार मांग की जा रही है कि हरजोत बैंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस दे नाल ही श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम मजीठिया ने अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट साझी की है जिस दे विच उन्हां दा कहना कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए है। बिक्रम मजीठिया ने इल्जाम लगाए ने कि पुलिस वार वार इस पूरे मसले को उसके सहुरे परिवार के नाल जोड़ रही है तो उन्होंने उत्ते कार्रवाई करनी चाहती है पर उधर जेकर गल की है सिक्ख्या मंत्री की उसके उत्ते कोई भी एक्शन लैन तैयार नहीं है जिसके चलद उन्होंने उत्थों के एस एस पी ते जम के निशाने साधे ने। इस दे नाले बिक्रम मजीठिया के वलों होर भी कई जथेबंदियों अपील की गई है कि वह इस मसले के आन तो वध जिहड़ा सरकार ते दबाव बनाउण कि परिवार को इंसाफ मिले। रात इस गल ते नींद नहीं आई है मेरे मन ते बड़ा बोझ है कि देखो वो बेटी चली गई और उदी एक निकी छोटी जी 5 साल 6 साल की नवरी तो उदी बेटी रह गई है पिछे अज उदे मासूम बच्ची दे हालात वेखो कि उदी माता इस फानी संसार नूं अलविदा कह गई है और उदा मां तो बाद बाप नाल प्यार हुंदा वो बाप अज जेल च अंदर वो सही अंदर होए आ गलत होए आ इह समां दसू मगर एक मैं लोगों के सामने सच्चाई सामने रखना चाहुंदा क्योंकि मेरे मन ते इस गल का बड़ा कल मैं हरदीप सिंह रजिंदर कौर के रविंदर कौर के ब्रदर नूं पुछया कि कदे थोड़ी भैन ने थोनू आपके हसबेंड के खिलाफ कोई शिकायत की सी रब नूं जान देनी है उहदा मैनू जवाब सी चीमा साहब मेरे नाल बैठे सी कि नहीं सानूं नहीं कहिंदे फिर मैं पुलिस तो पता किया और यह गल मैं एस एस पी नूं भी पुछी मैं कहा जी थोड़े किसी थाने च हसबेंड वाइफ के कोई डिस्प्यूट की कोई थोड़े कोई एफ आई आर तुसीं पहला दर्ज की है या कोई कंप्लेट आई है जो एस एस पी साहब तो लाजवाब सानू तो जवाब ही नहीं उन्होंने को मगर मेरे को जो खबर है कोई कंप्लेट कदे गई नहीं। फिर हरदेव सिंह ने यह गल कही कि देखो जी बच्ची असीं आपके घरे ले आए हैं उन्होंने बेटी बलविंदर कौर की मगर उसका प्यार आपकी दादी नाल बड़ा वो दादी नूं नहीं छड़ता। सात संगत जी मैं हाथ जोड़ के अपील करदा हां कि देखो एक निकी जी ऑडियो ते जिथे उन्हें खालसा जी कहा मैं खालसा जी बड़ा दुखी होके आप उस गल से उसनू तो अंदर कराता तो जिहड़ा सुसाइड नोट से उन्हें आपके हसबेंड नू जां आपके सहुरा साहब नू जां आपके सहुरे परिवार नू कितें जिम्मेवार नहीं ठहराया कि सानू उहदी रूह उहदी आत्मा सानू माफ़ करूगी सोचण वाली गल है करो मर्जी मैं किसी नू रोक नहीं सकदा परिवार का पहला हक मगर दास नू जो गल नहीं ठीक लगती दास समझदा सीगा कि यह कतल का परचा है एक फानी संसार नू अलविदा कह गया उन्हें तो कला ते कला चार वारी हरजोत बैंस का नौ लिया एस एस पी साहब वो परचा तो दर्ज नहीं करते उस ते तो कार्रवाई करते नहीं सज्जी खब्बियां सारिया कंप्लेंटा लैके राजी है तो इस ते परचा दर्ज करके राजी नहीं तो साफ है कि आ जिहड़ी हरदेव ने भावे ए आप दी बाकी गल्लां कीतियां कीर च गल कही कि मेरे तो सुसाइड नोटिस ही नहीं मेरे ध्यान च कोई लिया वह भी पुलिस ने लुको के रख्या ये तो शुक्र है उस दाते दा परमात्मा दा
और उन्होंने लोगों का जिन्होंने उसकी फोटो खिंच ली तो ऑनलाइन करती नहीं तो यह तो काम लुकोता गया सी। उन्हें भी अखीर च हरजोत बैंस की कार्रवाई की मांग की और पुलिस कहती जी थोड़ी आ लिख के तो देता घुगी मारती मगर कहते साडा हुण ऑनलाइन सिस्टम डाउन हो गया। वो भाई ऑनलाइन तो हुण चलिया पहला तो ऑफलाइन ही तुसी काम करते कलम नाल ही लिख देंदे सी जिथे एक मिनट लाया क्योंकि थोनू पुलिस नू सूट करता सी वर्जन कि सहरे नू ते उहदे घर वाले नू जिम्मेवार ठहरा दो भी गुरसिख है किसी गुरसिख नू झूठे केस च फसाउणा रब माफ नहीं करूगा जे वह झूठ है। हां जे वह सच है उहनू तां बेचारे नू कर ही दिता अंदर मगर जिहदा नां उस बेटी ने बार 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 लिखिया हरजोत बैंस उहदा नां दर्ज करन ते एफ आई आर च क्यों ढिल मत इतों ही साफ हुंदा है कि पुलिस आप चाहती है कि इहनू होर थ्योरी वाल लै जाओ सहुरे परिवार वाल लै जाओ ते काम नू भंबल भूसे च पा दो। मगर याद रखियो असीं झूठ दा साथ दे दईए सौ वारी किसी नाल बेइंसाफी कर दईए वो रब वो परमात्मा की कचहरी च इंसाफ सच का होगा लोगों की कचहरी च इंसाफ सच का होगा। इसलिए मैं दो अपील कि भाई सब सच का साथ दो परिवार का साथ दो 1158 प्रोफेसर का साहिबाना की जो साथ दो कि उन्होंने नौकरी पक्की हो इस बेटी इंसाफ मिले नवरीत निक्की बेटी इंसाफ दो सच दी साथ दिंदे हुए जो उहदी सुसाइड नोट सी और इस कंप्लेंट नूं पुलिस ऑनलाइन करे नहीं करदी है तो मेरी सब नूं अपील है कि भाई जी ने अगे लगना अगे लगे असीं मगर लगन नूं तैयार हाँ मगर लग के सारियां पार्टी सारी किसान जथेबंदियां होर जिन्हें इहदे च योगदान पा सकदे आ आके योगदान पाओ ते इस सुसाइड इक पढ़ी लिखी बच्ची नूं अमृतधारी नूं पीएचडी जी ने की हो सरकार की नौकरी जी कागज देता मुड़ के धोखा किया गया इंसाफ दवाइए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उधर जेकर गल की जाए पंजाब के क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रधान सुरजीत फूल की तो उन्होंने भी परिवार के हक के एक वीडियो साझी की है तो परिवार को इंसाफ दवाउण की गल कही है। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस है ये ते कार्रवाई ना की तो पंजाब की जी जनता हैगी फर्ज बनता है भी वह ये न्याय लैण लई जाए तो बदला लैण लई मैदान दे विच आवे। सो इस करके इन्नी क्लीयर कट कोई सुइसाइड नोट जां जिहड़े साडे उच्च विद्या प्राप्त साडे बच्चे ने उहनां दी जिहड़ी दुरदशा हैगी है जिहदे करके बाहर विदेशां च भज रहे ने सो उदों इदों जारा मिसाल इदों क्लीयर कट जिहड़ी मिसाल होर किहड़ी होऊगी पंजाब सरकार सामने। सो इस करके हुण जो कहिंदे ने वी कानून सारिआं लई बराबर हुंदा है कानून दे राह दे विच सारे बराबर हुंदे ने ते फिर हुण कानून पिछे पैर क्यों खिंच रहा उते जिहड़ी एफ आई आर 306 धारा दे तहत सीधी एफ आई आर बनदी है तो उह एफ आई आर दे के उहदे परिवार नूं उह बीबी बलविंदर कौर ते जिहड़े होर प्रोफेसर साथी आ उहनां नूं उहदी एफ आई आर की कापी देण तों कानून पिछे पैर क्यों खिंच रहा बिल्कुल बचाउण की गल हैगी है। आम लोगों लई कानून होर है जिहड़े हाकमां लई हुक्मरान है जिहड़े उहनां लई कानून होर है यह कहण नूं लोकतंत्र है यह असल विच लोकतंत्र नहीं यह बड्डियां दी तंत्र है वह जिहड़ा रजवाड़ा शाही वेले हुंदा हुंदा सी। सो इस करके सासी भारती किसान यूनियन क्रांतिकारी वालों मैं बतौर चेयरमैन बीके जू क्रांतिकारी वालों पंजाब की जनता के प्रतिनिध होण करके पंजाब दी किसानां दी बुलंद आवाज़ होण करके असी अपना फर्ज पछाणदे हुए बीबी का चिट्ठी पढ़ के असी आपका फर्ज पछाणदे हुए फैसला किया भी ये ओनू न्याय दवाउण की खातर परिवार को प्रोफेसर न्याय दवाउण की खातर तो जिहड़े दोषी है उन्होंने सज़ा दवाउण की खातर असी जिन्ना भी जोर लग्या असी जिन्ना भी ताकत लगी लावांगे उस सांझे संघर्ष के विच ते असी सरकार तो मंग भी करते हैं अपील भी करते हैं भी वह इस मामले के बीबी के परिवार को तो प्रोफेसर साथियों तुरंत न्याय दिता जाए एफ आई आर दर्ज की जाए तो दोषियों सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। तुम दस दी कि बलजिंदर कौर की खुदकुशी का मामला लगातार गरमाउंदा दिखाई दे रहा है विरोधियों वालों लगातार सिक्ख्या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है पर हाले तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उधर बलजिंदर कौर की लाश भी मिल चुकी है तो परिवार के वालों पोस्टमार्टम कराने तो इनकार कर दिता गया। परिवार का कहना है कि जिन्ना टाइम इंसाफ नहीं मिलता
उन्ना टाइम वह पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे तो ना ही संस्कार करेंगे। हुण देखना होगा कि सरकार इस मामले में किस तरह लेंदी है, सिक्ख्या मंत्री ते कार्रवाई करती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। निडर हाँ, निरपक्ष हाँ, आजाद हाँ, सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा, तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।